अभी का मैंने निरीक्षण किया है सुप्रिंटेंडेंट साहब के साथ, और कुछ मरीजों से भी मैंने बात की ओपीडी में, आईपीडी में। जनरली ज़्यादातर मरीज जो है सुविधाओं से संतुष्ट हैं। कुछ जगह इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, जो आरएमआरएस में आपको डायरेक्शन दिए हैं कि आप आरएमआरएस की नेक्स्ट बैठक जल्दी बुलाकर उसको रखवाएं, जैसे कुछ जगह मरम्मत की आवश्यकता है। पुराने जो कार्य चल रहे हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी या एनएचएम जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, उसका भी आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, और दवाइयाँ जाँचें सब हो रही, जो इम्प्रूवमेंट हैं उसको लेकर डिस्कशन किया है। निश्चित तौर पर सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये देह है, ये डायरेक्शन है कि जो भी पेशेंट यहाँ आ रहा है उसको अच्छा फील हो, उसको पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, निःशुल्क दवाएं और जांच उसको मिले, उसी के लिए हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सर, अस्पताल के पेट पानी जो है जर्जर अवस्था के अंदर भी है, और बरसात के मौसम के अंदर भी सर यहाँ पर काफ़ी जो है पानी जमा हो जाता है, उससे मरीजों को भी दिक्कत आती है, मरीजों को भी दूसरे वार्डों में ऊपर शिफ्ट किया जाता है, तो फिर उसको लेकर अभी सुप्रिंटेंडेंट साहब ने बताया और मेरे पास भी ये फीडबैक था। जैसा आप जानते हैं नए कुछ बिल्डिंग्स भी यहाँ बनी हैं और आरएमआरएस में कुछ काम चल रहे हैं, कुछ काम जल्दी लिए जाएंगे ताकि मरीजों को कोई भी असुविधा नहीं हो और जो भी मरम्मत के कार्य हैं उनको प्रायोरिटी पे लिया जाए। हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया है सुप्रिंटेंडेंट साहब के साथ, और कुछ मरीजों से भी मैंने बात की ओपीडी में, आईपीडी में। जनरली ज़्यादातर मरीज जो है सुविधाओं से संतुष्ट हैं। कुछ जगह इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, जो आरएमआरएस में आपको डायरेक्शन दिए हैं कि आप आरएमआरएस की नेक्स्ट बैठक जल्दी बुलाकर उसको रखवाएं, जैसे कुछ जगह मरम्मत की आवश्यकता है। पुराने जो कार्य चल रहे हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी या एनएचएम जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, उसका भी आज मैं रिव्यू करने वाला हूं, और दवाइयां जांचें सब हो रही, जो इम्प्रूवमेंट हैं उसको लेकर डिस्कशन किया है। निश्चित तौर पर सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये देह है, ये डायरेक्शन है कि जो भी पेशेंट यहाँ आ रहा है उसको अच्छा फील हो, उसको पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, निःशुल्क दवाएं और जांच उसको मिले, उसी के लिए हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सर, अस्पताल के पेट पानी जो है जर्जर अवस्था के अंदर भी है, और बरसात के मौसम के अंदर भी सर यहाँ पर काफ़ी जो है पानी जमा हो जाता है, उससे मरीजों को भी दिक्कत आती है, मरीजों को भी दूसरे वार्डों में ऊपर शिफ्ट किया जाता है, तो फिर उसको लेकर अभी सुप्रिंटेंडेंट साहब ने बताया और मेरे पास भी ये फीडबैक था। जैसा आप जानते हैं नए कुछ बिल्डिंग्स भी यहाँ बनी हैं और आरएमआरएस में कुछ काम चल रहे हैं, कुछ काम जल्दी लिए जाएंगे ताकि मरीजों को कोई भी असुविधा नहीं हो और जो भी मरम्मत के कार्य हैं उनको प्रायोरिटी पे लिया जाए।